नायस महादेवो मया वंद्यते, देवो मया वंद्यते, देवो मया वंद्यते। न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ही होते, नहीं ब्रह्मांड ही होता, न भौतिक यंत्र ही होते। समुंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता। अगर धरती पेन जैसे दिगंबर संत ना होते, अगर धरती पेन जैसे दिगंबर संत ना होते। सभी लोग जयकार लगाएंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंज राजने शिक्षोट आदि संघ जी महाराज की, बोलिए तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य शिक्षोट महावीर कीर्ति महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य शिक्षोट विमल सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट तपो मार्तंड आचार्य शिक्षोट संपति सागर जी गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वासिनी शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक बार एक चित्रकार बहुत सुंदर चित्र बनाना चाहता था, तो किससे पूछे? तो सबसे पहले वे राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि राजन, दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु क्या है, बताओ क्या है? तो राजन कहते हैं कि दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु श्रद्धा है। यदि श्रद्धा है तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया, बोले श्रद्धा का चित्र कैसे बनाए? वो राजा के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, फिर आगे गया तो उसे एक नवविवाहिता स्त्री मिली जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। तो उसने उससे पूछा, बताओ कि संसार में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? तो पहले उस युवती ने कुछ सोचा और फिर सोच करके बताया कि बोले संसार में सबसे सुंदर वस्तु यदि कोई है तो प्रेम है। यदि प्रेम है तो गरीब के घर में भी संपन्नता देखी जाती है। यदि प्रेम है तो प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। तो फिर उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि प्रेम का यदि चित्र बनाए तो कैसे बनाए। फिर वो आगे गया तो उसे कुछ सैनिक जाते हुए दिखाई दिए। तो फिर उसने सैनिक से पूछा, बताओ कि संसार में सबसे सुंदर वस्तु क्या है? तो सैनिक ने कहा कि संसार में सबसे सुंदर वस्तु शांति है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है। तब भी उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया कि कोई कहता है कि संसार में सबसे सुंदर वस्तु श्रद्धा है, कोई कहता है कि संसार में सबसे सुंदर वस्तु प्रेम है, कोई कहता है कि संसार में सबसे सुंदर वस्तु शांति है। आखिर इन तीनों को एक चित्र में कैसे बनाया जाए? तो अपना प्रश्न की खोज लेके चलता है। अंत में उसे एक मुनिराज दिखाई देते हैं। जब वो मुनिराज के पास जाता है तो वहां पे बहुत शांति होती है। जब वो देखता है कि मुनिराज तो चींटी को भी नहीं मारते, इतनी सारी मधुमक्खियां उनके ऊपर लिपटी हुई है, लेकिन इतना प्रेम है कि उनको हटाते भी नहीं है। एक पागल व्यक्ति ने उनके पैर पे एक नारियल फेंक दिया जो सूजन हो गया, लेकिन फिर भी उसके प्रति कुछ क्रोध का भाव नहीं है। उसकी ऐसी मुनिराज के प्रति श्रद्धा हो जाती है कि वो आखिर में जाकर के मुनिराज का चित्र बनाता है, जिसमें श्रद्धा भी होती है, प्रेम भी होता है, शांति भी होती है, वात्सल्य होती है। और ऐसे ही गुरुवर आपके बीच में विराजमान है। यहाँ पे ऐसा ही उपसर्ग जब प्रतापगढ़ में विहार हुआ था तो आचार्य के ऊपर हुआ था मधुमक्खियों का उपसर्ग। 200 मधुमक्खियां उनके शरीर को काटी, लेकिन आचार्य भगवान ने उन मधुमक्खियों को हटाया नहीं, अपने ध्यान में लीन है। और घंटे भर समय के बाद वो विष अमृत के रूप में बन गया। ये साधना का, प्रेम का और शांति का प्रभाव है। एक पागल व्यक्ति को क्या समझ में आता? उसने एक श्रीफल लेकर के आचार्य के पैर पर फोड़ दिया। आचार्य ने कुछ नहीं बोला, क्या समझेगा?
फिर कभी सहयोग मिला तो उसी के घर पे पड़गान भी हो गया। तो साधु का प्रेम सिर्फ मनुष्य के प्रति नहीं होता, तिर्यंश के प्रति, जीव जंतु के प्रति भी होता है। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको 10 दिन में कितना बड़ा लाभ मिला। आचार्य श्री भगवान कही जाते हैं तो सिर्फ एक विधान होता है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, भक्तामर विधान, कुछ भी नंदीश्वर विधान, लेकिन आपका पुण्य इतना था कि आपको 10 दिन में 9 दिन में 9 विधान का सौभाग्य मिला है। आपके पुण्य है, इतने कम समय में इतना लाभ। तो आपका कर्तव्य बनता है कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। पहले होते दुर्भाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली किसको कहते हैं बताओ? आप लोग सब समझते होंगे, जो कभी मंदिर नहीं जाता है, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास धर्म नहीं है, जिनके पास स्वास्थ्य भी नहीं है, वो लोग कौन से होते हैं? दुर्भाग्यशाली। दूसरे होते हैं भाग्यशाली, जिनके पास धन है, स्वास्थ्य है, एक इशारा करते हैं तो सारा काम हो जाता है, सुंदर मकान है, आसपास अनेक नौकर चाकर है, सब उसकी बात को मानते हैं, वो दूसरे नंबर के कौन से लोग कहलाते हैं? भाग्यशाली। तीसरे होते हैं सौभाग्यशाली, जिनके पास धन भी है, जिनके पास धर्म भी है और जिनके पास स्वास्थ्य भी है, वो सौभाग्यशाली कहलाते हैं। और चौथे लोग होते हैं, वो महान सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो प्रतिदिन उठकर जिनेन्द्र भगवान के पास जाते हैं, जिनाभिषेक करते हैं, आचार्य भगवान के प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, उनका पड़गान करते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते हैं, और जब पैदल चलते हैं तो उनके साथ विहार चलते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो कौन कौन से लोग कहलाते हैं? महान सौभाग्यशाली लोग कहलाते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग सभी यहाँ बैठे हो तो आप सभी लोग महान सौभाग्यशाली हो। तो आज भी ऐसे कई परिवार है, आपने देखा होगा कि वागड़ में ऐसे भक्त परिवार है कि जो यहाँ पर आकर के पूरा समुदाय लेकर के आचार्य भगवान को खुद अपने हाथों से चौका बनाते हैं और गुरुओं का पड़गान करते हैं। ये सिर्फ इस वर्ष की बात नहीं, हर साल गुरुदेव के चरणों में आते हैं, जिनके घर में उठकर के सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। तो आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी संडे हो तो क्या करना, अपने बच्चे को पार्क में नहीं ले जाना, अपने बच्चे को कहीं घुमाने के लिए या मूवीज में टॉकीज में फिल्म दिखाने के लिए नहीं ले जाना, उन्हें ले जाना है तो कोई तीर्थ क्षेत्र, गिरनार क्षेत्र पे ले जाना या फिर आचार्य भगवान के पास लेके आना। तो मैं याद करूं कि आपकी जो लड़कियां है कभी वह व्यसन में नहीं फंसेगी, लड़कियां आपकी फैशन में नहीं जाएगी और लड़का कभी व्यसन नहीं करेगा और आपको किसी प्रकार का संताप नहीं होगा, आपको ये बात का कभी पश्चाताप नहीं होगा। आप आके गुरुदेव के पास ये नहीं कहेंगे कि हे भगवान क्या करूं, मेरा बेटा तो कभी मंदिर भी नहीं जाता, मेरी कहना भी नहीं मानता है। ये गलती आपकी है कि जब संस्कार देते हो उस समय आप इतने बिजी रहते हो कि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। पढ़ाई 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 के बाद संस्कार कहां है? तो ये अगर बचपन में आपने संस्कार दिए तो वो संस्कार बड़े होकर के अवश्य फलीभूत होते हैं। आपने देखा होगा कि आप ताश के पत्ते खेलते हो ना, तो बादशाह होता है, बादशाह से भी ऊपर कौन होता है? एक का होता है ना, एक्का है ना, बादशाह के ऊपर भी एक्का होता है। तो ये क्या संदेश देता है कि संसार में वैभव सम्राट इन सबसे भी बड़े यदि कोई सुंदर वस्तु है तो वो क्या है? आत्मा। और वो आत्मा को हमें सिखाने वाले, बतलाने वाले यदि कोई होते तो कौन होते हैं? गुरु बताते कि आत्मा का स्वरूप क्या है, उसे कैसे जिया जाता है। तो ऐसे गुरुदेव का सौभाग्य आपके सामने, दीक्षा का भी सुंदर दृश्य होगा। आचार्य भगवान आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे संघ हैं यहाँ पे। जब आचार्य भगवान ने आचार्य पर दीक्षा के संस्कार किए थे तो कम से कम 30-35 साधु थे, लेकिन ये भगवान की, आचार्य भगवान की योग्यता, प्रेम, वात्सल्य, शांति, साधना का प्रभाव है कि आचार्य भगवान के पास अभी कम से कम 60 साधु इनके साथ अपनी साधना में रत है। आजकल के बच्चों को जांच संस्कृत की गाथा पढ़ने में उनको डिफिकल्ट लगता है, पढ़ने को नहीं होता है, हमें इंग्लिश में पढ़ा दे, वैसे इस युग में आचार्य भगवान को आज 20,000 से भी ज्यादा श्लोक कंठस्थ है। आपने देखा हो कि बिजली के कई खंभे यहाँ पे रहते हैं, तो जिस खंभे पर आप अपना वायर डाल देते हो तो आपके घर में क्या होता है? बिजली आना
प्रारंभ हो जाती है। वैसे ही यदि अपने जीवन के तार को यदि तुम गुरुदेव के चरणों में डाल दो तो आपके जीवन में भी उजाला आ जाएगा, आपको कभी भटकना नहीं पड़ेगा, आपको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। तो अपने जीवन को जाएगा, हमारा सौभाग्य है कि संसार में सब कुछ पाना आसान है लेकिन गुरु जैसी अनमोल संपदा पाना बहुत मुश्किल है। हमारा सौभाग्य रहा कि हमें आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी जैसे गुरुदेव का सानिध्य मिला और आज भी वो दृश्य मेरे आंखों के सामने आता है कि वो अंडेश्वर तीर्थ जहां बागड़ का प्रसिद्ध क्षेत्र है वहां पर ऐसे ग्रेट क्षेत्र पर विजयादशमी को 19 दीक्षा हुई थी, बहुत सारे छोटे छोटे महाराज और माता जी की 19 दीक्षा हुई थी ग्रेट दिवस पर, और आचार्य भगवान जैसे ग्रेट गुरु के कर कमलों के द्वारा हमने दीक्षा के संस्कार को प्राप्त किया। हाँ, विजयादशमी को आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त हुई। महावीर कीर्ति महाराज जी का जहाँ आचार्य पदारोहण दिवस भी है, ऐसे महान गुरु जिनको एक नहीं 18 भाषाओं का ज्ञान था, जो मनुष्य तो क्या पशु पक्षी की भाषा को भी समझते थे, और जिन्होंने अपने जीवन काल में ऐसी महान आरिका आरिका सुपाशमती आरिका ज्ञानमती विजयमती माता जी जैसी आरिकाओं को पढ़ा करके उसे इस योग्य बनाया कि वो उन्होंने अनेक जीवों को इस धर्म मार्ग में लगाया। ऐसा एक किस्सा मुझे याद आता है कि जब आचार्य भगवान जयपुर में थे और पहली बार एंट्री की थी आचार्य भगवान ने, हमारे भी जीवन का एक ऐसा सौभाग्य रहा था कि मुझे उन माता जी के पास रहने का अवसर मिला, आरिका गोरमती माता जी, जिन्होंने भी विजयादशमी के दिन दीक्षा ली थी और सहयोग से आचार्य भगवान के चरणों में आए थे। तो जब आचार्य भगवान जयपुर में एंट्री हुई थी तो जैसे ही माता जी को पता चला कि आचार्य सुनील सागर जी महाराज का संग आने वाला है तो अस्वस्थ थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना भक्ति के भाव से माता जी आचार्य भगवान के पास पहुंची, बड़ी भक्ति भाव से उनके चरणों का पाद प्रक्षालन किया और माता जी क्या कहते हैं कि पहली बार इतने समय बाद मैंने इतने बड़े संघ के दर्शन किए और जब मैं इन छोटी छोटी माता जी को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि काश मेरी भी इस छोटी अवस्था में दीक्षा हो जाती तो आज हम कहां होते। तो फिर आचार्य ऋषि ने माता जी को कहा कि आप ऐसा करो कि चतुर्मास हमारे साथ करो, साथ साथ में चतुर्मास होगा तो बहुत बड़ा आनंद आएगा। तो फिर माता जी ने कहा कि मेरी शरीर की स्वस्थता ठीक नहीं है, मुझे शोरगुल पसंद नहीं होता, मुझे शांति में जीना, इस कारण से मैं चतुर्मास साथ नहीं करती, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होगा मैं आपको स्मरण करूंगी, आपका ध्यान करूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ, आचार्य ऋषि का चतुर्मास हुआ भट्टारक जी की नस्या में और आरिका सुपाशमती की शिष्य आरिका घोरमती माता जी का चतुर्मास हुआ श्याम नगर में। अब देखो कैसे सहयोग मिलते हैं कि माता जी की अस्वस्थता होने लगी, अब उनको भी पता चलने लगा कि मेरे जीवन का समय ज्यादा नहीं है। तो हमने गुरुदेव के चरणों में विनय की कि माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो आचार्य ऋषि ने बड़ी करुणावश कहा कि चलो दो माता जी को भेजा। तो हमने देखा कि माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बहुत कमजोर हो चुकी थी, शरीर में रोग लग गया था। फिर आचार्य ऋषि को निवेदन किया कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। तो फिर आचार्य ऋषि ने एक नहीं दो नहीं चतुर्विध संघ भेजा, एक मुनि आरिका शुल्लक शुल्लिका को चतुर्विध संघ को भेजा और कहा ना माता जी को कि माता जी यहाँ पर आ जाएंगे तो पूरे संघ का सानिध्य मिलेगा, अगर मैं वहां पे आऊंगा तो कितना संबोधन दूंगा एक घंटे के लिए, और माता जी खुद यहाँ पे आ जाएगी तो उन्हें पूरे संघ का सानिध्य लाभ मिलेगा। तो शिशु सागर जी थे, शुद्धात्मा मध्य माता जी थे, हम थे, तो हमने सबने कहा कि आचार्य ऋषि ने आपको वहां बुलाया है। तो माता जी क्या कहती है, मैं आने को उनकी आज्ञा को मैं मानती हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार आचार्य ऋषि आकर के मेरी शरीर की अस्वस्थता को देख ले, फिर वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। अब माता जी ने तो ये बात की, फिर चतुर्विध संघ शिशु सागर जी महाराज गए, सुमित्र सागर जी महाराज गए और उन्होंने आचार्य ऋषि को सारी वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान किया बताया। तो देखो आचार्य ऋषि की करुणा, आचार्य ऋषि की वात्सल्य, आचार्य ऋषि का प्रेम कि भट्टारक जी नस्या में किसी को भी खबर नहीं की, बिना बोले जंगल के बहाने निकल गए श्याम नगर की तरफ निकल गए। और माता जी का जब उनके ने वास्तविक परिस्थिति देखा तो उनको भी पता चल गया कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है। तो फिर आचार्य ऋषि ने कहा कि चलो यहां से चलते हैं। तो माता जी ने कहा क्या कहा कि अमावस्या के बाद हम चलेंगे।
तो आचार्य भगवान ने कहा कि अमावस्या किसने देखी, अमावस्या तो भारी होती है। तो फिर आचार्य ऋषि ने कहा उनको कमंडल का पानी उनके ऊपर छिटका, मंत्र नमोकार मंत्र पढ़ा और कहा कि आप 2 बजे यहां से प्रस्थान करना। तो माता जी ने कहा कि 2 बजे थोड़ी आकुलता होती है तो मैं 3 बजे प्रस्थान करूंगी। तो माता जी की इतनी बुद्धि पलटी और तुरंत माता जी इतनी अस्वस्थ थी फिर भी गुरु के प्रति भक्ति थी तो माता जी ने कहा 3 बज गए, तुरंत 3 बजे का मुझे यहां से निकालो, मुझे आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के पास जाना है। सारी श्याम नगर की समाज, जयपुर की समाज, सभी लोग लेकर के माता जी को भट्टारक जी की नशा में गए, जहां इतनी वेदना थी लेकिन जो पल था जब माता जी भट्टारक जी नशा में जाए तो उनको जरा भी पीड़ा थी नहीं, हंसते मुस्कुराते हुए माता जी भट्टारक जी नशा में गई, आचार्य भगवान के दर्शन किए, पूरे संघ ने दर्शन किए। फिर आचार्य ऋषि ने उनको, माता जी ने सब प्रायश्चित लिया, सब कुछ अपनी जो भी पापों थे उनके प्रायश्चित किया। इसके बाद रात का समय सामायिक वगैरह सभी लोगों ने पाठ सुनाए, ठीक रात का 10 बजे की बात है तो माता जी ने एकदम घबराने लगी और उनकी श्वासें ऊपर नीचे होने लगी। तो माता जी से उनसे बोला तो नहीं जा रहा था लेकिन इशारे में कह रही थी कि आचार्य ऋषि को बुलाओ, आचार्य ऋषि को बुलाओ। तो संदेश आ गया, आचार्य ऋषि को बुलाया, आचार्य ऋषि आए और उन्हें आधे घंटे तक संबोधन दिया, ऐसा संबोधन दिया कि माता जी के शरीर में इतनी पीड़ा थी जहां छूते भी उनको तकलीफ होती थी, लेकिन ये आचार्य भगवान का चमत्कार समझो कि माता जी आधे घंटे तक इतनी चेतन अवस्था में थी और नमो का मंत्र निर्वाण कर सारे पाठ पढ़ते पढ़ते उनका अंतिम समाधि मर हुआ। ये गुरुदेव का उपकार है कि उनके जो निकट आता है उनकी जीवन की चर्या बदल जाती है। देखो कैसा सौभाग्य है कि विजयादशमी के दिन उन्होंने दीक्षा ली, इस दिन का महत्व, और उसी माता जी ने आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के कर कमलों में समाधि मरण प्राप्त किया। ये योग सहयोग कैसे बनते हैं, ये गुरु भक्ति का प्रभाव है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु का सानिध्य मिला जिन्होंने पतझड़ को सावन, पतित को पावन, लोहे को कुंदन और अग्नि मन को चंदन बना दिया है। हे भगवान आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करती हूँ कि सारी दुनिया के वैभव आपके चरणों में रख दूं, लेकिन जो आपके प्रति अपनापन पाया है उसका कभी मोल नहीं चुकाया जा सकता है। आपके चरणों में जो अनंत सुख पाया है वो मैंने अनंत जन्मों तक नहीं पाया है। आपके चिंतन में जो आनंद आता है वो कभी किसी जन्म में नहीं आ सकता है। मैं तो आप यही आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ज्ञान इतना ही बढ़े जितना मैं आपसे आपकी विनय कर सकूं, मेरी स्मृति इतनी उस परायमान हो जितने मैं आपके स्मरण कर सकूं और आपके चरणों में हमेशा अंतिम सप्ताह आपके चरणों में रहूं। बोली परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश श्री शिरोमणि आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।